Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? तो शाम के 4 बज चुके हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है कुछ अच्छे प्रेपोजिशंस के रूल्स लेकर। 5 प्रेपोजिशंस के रूल्स मैं आप लोगों को यहां पे कराऊंगा, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि भले ही ये त्योहारों का टाइम चल रहा है लेकिन फेस्टिव में हमें अपने काम को नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी बीते और बहुत ही अच्छे तरीके से आप दिवाली को मनाएं, जो कि आप मना भी रहे होंगे अभी। अपने फैमिली को, अपने मेंबर्स को पूरा टाइम दीजिए। अगर आप अभी अपने घर पे आ गए हैं, आप मेट्रो सिटी से आप अपने घर पे आ चुके हैं मुझे पता है, लेकिन आप अपने काम को मत छोड़िए। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भी और ये हमारे लिए भी, आपका टच नहीं छूटना चाहिए। और इसके लिए ही आप लोगों के लिए मैंने अपना काम पहले कर दिया है, आप लोग इसको बाद में देख रहे हैं, मैंने ये पहले ही रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के सामने रख दिया है। तो आपको हल्का सा रिवाइज कराऊंगा, बस कुछ 15 से 20 मिनट हम बात करेंगे, उसके बाद अपने अपने काम पे लग जाएंगे। तो जल्दी से एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए, जितना हो सके पहले सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा, जो बच्चा भी SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बच्चा हमारे साथ जुड़ जाए और अपने काम को हम करें। बात करते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। तो कंप्यूटर में जरा एक बार मुझे स्क्रीन पर PPT पर लाया जाए। प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है अगर मैं बात करूं तो, ये मैं लिख देता हूं यहां पे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो होता है, ये वर्ड आपका बनता ही दो वर्ड से है, एक लिखते हैं यहां पे हम प्रॉपर, एक लिखते हैं पोजिशन। प्रॉपर पोजिशन में कोई वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। सबसे टफ अगर मैं बोलूं इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में कोई अगर चैप्टर है तो वो प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा है, इतना लेंथी है कि आप इसको याद कर लो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, प्रेपोजिशन आपको याद नहीं होंगे। और कोई कुछ प्रेपोजिशंस आप लोगों की फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। कॉन्सेप्ट कुछ जगह पे हैं, जैसे आज मैं 5 प्रेपोजिशन आप लोगों के सामने रखूंगा, वन बाय वन मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे हैं और इंपॉर्टेंट है तो इसलिए उसको मैंने लिया भी है। सबसे पहला प्रेपोजिशन जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ वो है आपका बिटवीन। बिटवीन का अगर मैं बात करूं जो मीनिंग होता है वो होता है आपका दो के बीच में, ठीक है ना? दो चीज़ों के बीच की जो बात होती है उसको मैं बिटवीन में यूज़ कर लेता हूं। ओके, अगर मैं बात करूं बिटवीन के बारे में, क्या सिर्फ दो के लिए? नहीं, यूज्ड फॉर टू, इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू, यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए भी आप लोग जो है बिटवीन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन कैसे? जब आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब आप बात करते हो सर म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे होता है? जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, क्या है वो पर्सन है या थिंग है या कंट्री है, कुछ भी है। अगर आप यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका इसके साथ रिलेशनशिप, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, इस तरह से जो आप लोगों का रिलेशनशिप बनता है उसको आप लोग बोलते हैं क्या? दैट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, परस्पर संबंध। इन हिंदी यू कैन से दैट, क्या बोलते हैं इसको? परस्पर संबंध आप लोगों का होना चाहिए। तो वो उस जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अगर अब बात आती है, अगर मैं बात करूं अभी अमंग के बारे में, अमंग जो होता है आप लोगों का, अमंग जो प्रेपोजिशन है वो आपकी यूज होती है मोर देन टू के लिए। मोर देन टू के लिए आप अमंग को यूज करते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात क्या सर? ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होती है। अमंग को आप कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं तो मैं इसको काट दूंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये। और दूसरी बात जो है, जो चीज़ें फिजिकल प्रेजेंट हैं, जो चीज़ें आपके फिजिकल में प्रेजेंट हैं उनके लिए भी आप लोग जो है अमंग का यूज करेंगे। फिजिकली प्रेजेंट हो, काउंटेबल हो और मोर देन टू हो, जो और आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप इसमें अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल रिलेशनशिप इसमें ना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? अमंग का यूज कर सकते हैं। थर्ड जो आप लोगों की प्रेपोजिशन है वो बात होती है, उसको बोलते हैं एमिड, AMID, एमिड, जो को कई लोग आप लोग एमिड्स भी बोलते हैं, AMIDST। एमिड्स जो था वो प्योरेस्ट फॉर्म था, बाद में कट कट के एमिड हो गया। और इसका कोई भी, दोनों का सेम यूज़ है, कोई भी ऐसा यूज़ नहीं है जिसमें कई बार आप लोगों ने बुक्स में देखते भी हो। एमिड की जगह पे आप एमिड्स यूज़ कर सकते हो, एमिड्स की जगह पे आप एमिड यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं जरा मैं जो बात बोल रहा हूँ अभी आपको। अब बात आती है सर एमिड, कई बच्चे तो ऐसे होंगे आज फर्स्ट टाइम जो है देख रहे होंगे इसको कि यार एमिड भी कोई वर्ड होता है। और जो ये बच्चे नए अभी मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप लोगों को शुरू से लेकर आप एंड तक वीडियो को देख लीजिए, अपने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो एमिड होता है आपका, वो आप लोगों का सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपका यूज़ होता है। दूसरी बात क्या सर? फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए।
ठीक है ना। तो फिजिकली अगर कोई प्रेजेंट है चीज आप लोगों की और वो अनकाउंटेबल भी क्या हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, पानी है आपका, अनकाउंटेबल है, फिजिकली प्रेजेंट है, देख तो सकते हो ना आप लोग। और कोई चीज़ें आपकी जो इनटेंजिबल होती हैं, अगर मैं बात करूँ, अगर आप मुझे बताएंगे अभी कि इनटेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है जरा बताएंगे। इनटेंजिबल वो चीज़ होती है जो दिखती नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक वर्ड को यूज़ कर दूँ, एमिड, एमिड ग्रोइंग, GROWING, ग्रोइंग टेंशन। अब टेंशन आपको दिखती है कभी? बोलोगे सर हाँ सर दिखती तो है। नहीं, टेंशन नहीं दिखती, ये आपको महसूस कर सकते हो। तो जब कोई चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसके लिए आप अमंग टेंशन नहीं लगा सकोगे, आप क्या बोलोगे, एमिड ग्रोइंग टेंशन आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये तीनों चीज़ों का मतलब समझ में आया होगा। अब इनके रिगार्डिंग कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों की आंखों के सामने, देखिए। He put some books between the space available on the shelf. अब यहाँ पर आप लोगों के लिए बात मैं करूँ, अगर स्पेस के बारे में बात हो रही है, देखिए, put the books between the space available on the shelf. जब put की बात, रखने की बात हो रही है, तो यहाँ पर between का कोई मतलब हुआ? Between तो सर दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, between तो भी दो के लिए यूज़ कर सकते हैं ना आप लोग। तो दो के लिए यूज़ करेंगे तो सर उसमें तो अब between तो यूज़ नहीं हो, क्योंकि दो चीज़ें तो आपने दिखाई नहीं है, यहाँ पर between तो यूज़ हो नहीं सकता। तो put some books आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो into का, into the space available on the shelf, इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि जो into होता है वो आपका मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, जहाँ भी मूवमेंट की बात होती है, कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, into का यूज़ कर सकते हो। कोई आपका यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर आप लोगों ने इस बुक को उठा के यहाँ पे रखना है, तो इनसाइड अगर कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ पर आप इनटू का यूज़ कर सकते हो, बिटवीन वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे एक थम्सअप दिखा दीजिए। नेक्स्ट जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, देखिए। एन अग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, ये आपका इंडिया है, ये आपका चाइना है, ठीक है ना। एडिटर साहब यहाँ से ले लीजिए, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका चाइना हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों अलग अलग में कोई एग्रीमेंट आपका साइंड हुआ है, इसका मतलब क्या बन गया, ये यहाँ पे आप लोगों का म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। अगर यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप है तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, आप अगर आप बताएंगे तो सर यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, भले ही ये दो से ज़्यादा है लेकिन आप लोगों का यहाँ पर क्या यूज़ होगा, बिटवीन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, बिटवीन का। तो अग्रीमेंट हैज साइंड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, नो एरर, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, नो एरर यहां पर आप बताएंगे, क्योंकि सर बिटवीन आपने यूज किया है तो बिटवीन जो है वो दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, जब उनके अंदर क्या हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, परस्पर कोई संबंध हो। और इस तरह से आपने देखा कि बिटवीन यहां पर आंसर ठीक है, तो ये आपका नो एरर में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका थ्री, देखिए जरा यहां पर। Seeing controversy between the four countries, America is looking forward to intervening into the matter. सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी आपका जो आपका फ्रेज यूज होता है लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एवर्शन टू, काफ़ी बार मैं इन फ्रेज को आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ये फ्रेज जब भी आते हैं तो अपने साथ में वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म का यूज़ होता है। इसमें आप लोग क्या यूज़ करेंगे, वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म का, इंग फॉर्म का आप यूज़ करोगे। सीइंग कंट्रोवर्सी बिटवीन द फोर कंट्रीज, जब यहाँ पर आप मुझे बात बताइए, कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, एक दो तीन चार, तो इसमें कोई ना कोई किसी भी प्रकार का इसमें अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है। और जब आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होता तब आप वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चार कंट्रीज़ की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं, अमेरिका इज़ लुकिंग फॉर फोर कंट्रीज़ की बात हो रही है, और यहाँ पर अमेरिका जो है वो बोल रहा है कि मुझे इंटरवीन करना चाहिए, तो यहाँ पर बिटवीन की जगह पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अमंग हो जाएगा। गाइज देखिए चीज़ें वही हैं, यही आपकी चीज़ें एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी। वहाँ पर आप लोग नहीं बता पाओगे तो प्रॉब्लम में आओगे, क्यों, वहाँ पर नंबर कट जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में आप टाइम बिता लोगे उतना ज़्यादा आपको कम जो है मेहनत वहाँ पे करना पड़ेगा। वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन त्योहारों में भी पढ़ना है या आप लोगों को लेक्चर नहीं देखना है और खाली इंजॉय करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सिर्फ चार महीने बाद हो जाएगा, CPO का तो उससे पहले ही हो जाएगा। तो वो आप लोगों को देखना है कि किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर फोर जरा देखेंगे। अब यहाँ पर इस बुक को बताने के पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ दो चीज़ों के बारे में, एक होता है बिसाइड, ये होता है बिसाइड, जिसको बोलते हैं के बगल में, ठीक है ना, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ,
बिसाइड, जिसको आप यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, एक होता है वर्ड आपका बिसाइड्स, बी ई एस आई डी ई एस, बिसाइड्स का मतलब होता है के इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इसके अलावा, ठीक है ना। बिसाइड का मतलब हो गया के बगल, बाय द साइड ऑफ, के बगल में। ही केम, अगर मैं बात करूं, देखिए एक सेंटेंस बनाता हूं आपके लोगों के लिए, ही केम एंड सेट बिसाइड हर, सेट बिसाइड हर, वो आया और उसके बगल में बैठ गया। तो ये जो बिसाइड यूज होता है, ये आप लोगों का बगल के लिए यूज करते हैं, और ये बिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। यहां पर देखिए, बींग बिसाइड्स आना चाहिए या बिसाइड आना चाहिए, बींग बिसाइड, बिसाइड्स एंड हैविंग नो कम्युनिकेशन एट ऑल, साथ में रहना और नो कम्युनिकेशन एट ऑल, क्रिएटेड ऑल क्रिएटेड डाउट इन हर माइंड, एट ऑल क्रिएटेड डाउट इन हर माइंड, मतलब भी साथ में भी रह रहे हैं लेकिन फिर भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये उसके दिमाग में जो है डाउट क्रिएट कर दिया इस चीज ने। बींग बिसाइड्स यहाँ पे होना चाहिए कि बिसाइड होना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए। और आपके कमेंट्स में जहां तक भी अगर मैं सोचूं, तो आपने लिखा होगा, आपने यही लिखा होगा कि सर अब ये आपका होगा बींग बिसाइड। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यही चीजें हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगी। ये पांच प्रेपोजिशन मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको बताया बिटवीन, एक मैंने आपको बताया अमंग, एक मैंने बताया एम्बिड, एक बताया बिसाइड और एक बताया बिसाइड्स। ये चीजें आप लोग पांचों चीजों से कभी ना कभी क्वेश्चन आपका, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका बनता ही बनता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग शायद इसका आंसर दे पाएं। अब इस बार मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। और गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आई कैनॉट गिव यू एनीथिंग बिसाइड्स ऑल दैट आई हैव प्रोमिस्ड यू, आई कैनॉट गिव यू एनीथिंग, आई कैनॉट गिव यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, एनीथिंग कुछ नहीं दे सकता, बिसाइड्स ऑल दैट आई हैव प्रोमिस्ड, ये वाला काट देना यार, आई कैनॉट गिव यू एनीथिंग बिसाइड्स ऑल दैट आई हैव प्रोमिस्ड यू, तो मैं आपको नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता इसके अलावा। जब अलावा की बात आती है तो वहां पे बिसाइड्स थोड़ी आएगा, वहां पे आपको प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, क्या, एक्सेप्ट, क्या यूज करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, सिवाय, क्या हम यूज कर देंगे उसके लिए, उसके लिए हम यूज कर देंगे क्या, सिवाय। तो ये एक्सेप्ट जो प्रेपोजिशन होती है, ये इसके लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो बिसाइड की जगह पे आप लोग क्या यूज कर सकते हो, वहां पर आप एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो, आई कैनॉट गिव यू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑल दैट, सिर्फ उसके लिए जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस तरह का अच्छे तरीके से आप लोगों को इनका आंसर देना है। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव सैड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, एक्सेप्ट व्हाट यू हैव सैड, नहीं इसके अलावा थोड़ी, जो आपने बोला है, यहां पर एक्सेप्ट की जगह पे आप लोग यूज कर देंगे क्या, यहां पर आप लोग यूज कर देंगे क्या, बिसाइड्स, बिसाइड्स व्हाट यू हैव सैड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आप लोगों के एरर्स थे, आप, मैंने आप लोगों को बताए, एक हल्का सा बस, एक आप लोगों को इन टच में रखने के लिए हम लोगों ने ये सेशन बनाया है, और आप लोग को आई होप अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड स्वीट है, शुरू से लेकर एंड तक आपने इसको देखा, मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और फिर अपने काम में छुट्टियों के बाद जल्दी से लग जाते हैं और फिर अपने उसी रिदम में आ जाएंगे। तो गाइस, जल्दी से मुझे ये जो भी एफर्ट्स एसएससी अड्डा का है, आप लोगों का कैसा लगा, एक कमेंट आप लोगों का हमारे लिए बहुत ही बूस्ट, एक एनर्जी का काम करता है, एक बूस्ट का काम करता है। जल्दी से मुझे लिख के बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और ये जो पांच चीजें मैंने आपको बताई, क्या आपको पता लगा, आपको अच्छी आई, समझ में आई कि नहीं आई, ये भी आप मुझे जरूर लिखिए। और जो भी स्टूडेंट अभी आज नया आया है और इसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एसएससी अड्डा का मेंबर बन जाइए, टीम बन जाइए। गाइज, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं एसएससी अड्डा का, जो कि फेस्टिवल सीजन आपका चल रहा है, मैं आप लोगों को एक कोड बता देता हूँ, Y193 एक मेरा कोड है। कंप्यूटर में तो जरा एक बार मुझे PPT पे लाया जाए, ये हमारे मेरा एक कोड है Y193 को आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको ऑसम डिस्काउंट जो है इस फेस्टिवल सीजन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देर किस बात की, कोई टेस्ट सीरीज है, आप लोग जल्दी से ऑसम टेस्ट सीरीज जो है हमारे अड्डा 24/7 की आती है, आप उनको परचेज कर सकते हैं और उनके अंदर का जो कॉन्टेंट्स है उसको अवेल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जी जरा एक बार वापस स्क्रीन पर आते हैं। तो गाइज, थैंक यू सो मच, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सेशन को ज़्यादा बढ़ा दें और फैला दें इसको। मिलते हैं जल्दी से अपने और रेगुलर सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद भाई। बहुत हो गया, बोर नहीं होता।